नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल, PSSM Blessings ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने थिंकिंग और मेडिटेशन के बारे में विस्तार से जाना। ऑडियो नंबर 191 में हम इसी घटना को और आगे जानते हैं। वह बताते हैं, हमारे पास इस संसार में जो भी कुछ है वह थिंकिंग का ही परिणाम है। लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती अगर आपके पास थिंकर्स ना हो और आप सोचे ना। लेकिन हमें इस महान प्रकृति के नियमों के प्रकाश में सोचना सीखना होगा, नहीं तो आपकी थिंकिंग मौत के रास्ते पर ले जाएगी। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे एक किताब दी जिसका टाइटल था डू नॉट थिंक। मैंने किताब अपने हाथ में ली, इसे देखा, फिर उसे वापस देते हुए कहा, बिना सोचे तुमने यह किताब लिखी कैसे? थिंकिंग आपको समाधि और इंट्यूशन की तरफ ले जाती है, जिसमें आपको आरोह और अवरोह के तर्क की और ज़रूरत नहीं रह जाती और आप चीज़ों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे कि वे हैं। लेकिन अगर आपका माइंड स्पष्ट और निस्वार्थ सोच की कला में ट्रेंड नहीं है तो आप होश की इस अवस्था को उपयोग में नहीं ला सकते। और जिन चीज़ों को आप इंसानियत की भाषा में देखते हैं उनका अनुवाद नहीं कर सकते। सोचने की कला को जाने बिना आपका अंतर्ज्ञान और होश सिर्फ एब्स्ट्रैक्शंस होकर रह जाएगा और आपका जीवन, व्यावहारिक जीवन और विशंस के संसार के बीच अटक कर रह जाएगा। विशुद्ध चिंतन रहस्योद्घाटन को ट्रांसलेट और फॉर्मुलेट करने के लिए आवश्यक है, ताकि आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए थिंकिंग आवश्यकता और उत्तर के बीच एक ब्रिज है। अगर आप स्वयं को सोर्स के साथ ट्यून कर लें तो उत्तर आपको उच्चतम सोर्स से मिल सकता है, लेकिन वह उत्तर आवश्यकता तक नहीं पहुंच सकता अगर माइंड मेडिटेट नहीं करता, फॉर्मुलेट नहीं करता या विशंस के अनुवाद को इस तरह अरेंज नहीं करता कि वह आपके जीवन को व्यावहारिक रूप से सर्व करे और आपके जीवन में कुछ प्रगति और उन्नति का कारण बन सके। अगला प्रश्न है, जब आप कहते हैं कि मेडिटेशन प्रगति का अनिवार्य परिणाम है, परफेक्शन की इच्छा का परिणाम है, तो क्या इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे हर कोई स्वाभाविक रूप से ध्यान करना शुरू कर देगा? टॉरकॉम जी कहते हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि ऐसा ही होगा। इंसान कार्य करता है, महसूस करता है और तब उसकी सोच विकसित होती है। जो लोग सोचते हैं वे उनको लीड करते हैं, जो सोचते नहीं हैं वे लोग अपने मन को सही दिशा में यूज करते हैं, उनकी प्रगति जल्दी होती है, बजाय उनके जो लोग भावनात्मक जगत और मैकेनिकल थिंकिंग में अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन जब नहीं सोचने वाले लोग कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करते हैं और जब वे देखते हैं कि उनके ट्रैप्स उनके ही द्वारा बनाई गई जेल हैं, तब वे इनसे निकलने के लिए सोचना शुरू करते हैं। पहले उनकी सोच स्वार्थ से मोटिवेटेड होती है, उसके बाद धीरे धीरे वे देखते हैं कि उनके स्वार्थपूर्ण सोच बहुत सारी समस्याओं और दुखों का कारण है और तब वे निस्वार्थ भाव से सोचना सीखते हैं लोगों के और प्रकृति की भलाई के लिए। यहाँ वे ध्यान सीखते हैं। मुझे लगता है कि यह रास्ता कुछ लोगों के लिए बहुत स्लो है, लेकिन धीरे धीरे वे पहुँच जाएंगे। विकास एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि गाढ़े वृत्त हैं। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है यह ज़्यादा समाहित करने वाला और ज़्यादा हारमोनियस हो जाता है। मेडिटेशन संबंधों का विज्ञान है।
जब हम गहराई से सोचना शुरू करते हैं, हम ज़्यादा समाहित करते हैं, ज़्यादा संबंध बनाने के और हार्मोनाइज करने के योग्य बनते हैं। और एक इंसान को सभ्यता और संस्कृति के ऑर्डर में स्वयं को फिट रखने के लिए सोचने और मेडिटेट करने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न है, आपने अपनी किताब में मेडिटेशन के लिए रूल्स क्यों दिए हैं? आपको नहीं लगता कि नियम लोगों को डराते हैं? टॉरकॉम जी बताते हैं, हाँ वे लोगों को डराते हैं। कोई भी मेडिटेशन शुरू नहीं कर सकता और उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता अगर वह यह नहीं जानता कि गेम कैसे खेला जाता है। मेडिटेशन एक खतरनाक खेल है अगर आप इसे गंभीरता से नहीं लेते और अगर आप यह नहीं जानते कि इसे खेला कैसे जाता है, तो आप स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूल्स सुरक्षा कवच हैं। यह हजारों लोगों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं जिन्होंने मेडिटेशन के विज्ञान को विकसित किया। रूल्स लॉज नहीं हैं। आप इन्हें मान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन पर विचार कर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद अपना डेली मेडिटेशन करने के पहले आपको कम से कम 6 घंटे या 8 घंटे वेट करना चाहिए। मेडिटेशन आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भारी टेंशन क्रिएट करता है। अगर आप आगे बढ़ें और सेक्स के बाद तुरंत मेडिटेशन करें बिना अनिवार्य समय के इंतज़ार के, तो आप में हेडेक्स, इंसोमनिया और बहुत सारी समस्याएं डेवलप कर जाएंगी। मेडिटेशन से पहले आपको किसी भी तरह का ड्रग या अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। मेडिटेशन में आपको क्लियर माइंड की आवश्यकता है। बस यही तो कुछ रूल्स हैं और अगर आप इनको जान लें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे पास 24 से ज़्यादा रूल्स हैं और इन्हें जानकर लोग लाभान्वित होंगे। प्रश्न है, क्या आप मेडिटेशन की एक सरल आउटलाइन दे सकते हैं जो लोग कर सकें? टॉरकॉम जी बताते हैं, हाँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह आउटलाइन नहीं है जो मेडिटेशन को अच्छा या ख़राब बनाता है, बल्कि यह व्यक्ति है। जो भी हो, मैं आपको मेडिटेशन का एक फॉर्म देता हूँ। पहला, मेडिटेशन शुरू करने से पहले अपने शरीर की सफाई करिए और फिर चेयर पर या फर्श पर या अपने गार्डन में पेड़ के नीचे या समुद्र के किनारे कुछ मिनट तक आराम करिए। दूसरा, अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, भावनाओं को शांत करिए और अपने मन को शांति से भरिए। तीसरा, कोई प्रार्थना करिए, ऐसी प्रार्थना जो आपको पसंद हो। चौथा, एक ऐसा विषय चुनिए जिस पर आप गहराई से सोच सकें। भगवद गीता, न्यू टेस्टामेंट का कोई वाक्य, कोई दृष्टांत, कोई घटना, कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या, और इस पर सोचना शुरू करें। उदाहरण के तौर पर आप यह वाक्य ले सकते हैं और इस पर सोच सकते हैं, मैं अपने जीवन को किस प्रकार इम्प्रूव करूं ताकि मैं लोगों के जीवन के लिए उपयोगी बन सकूं। अब यह प्रश्न आपका स्वयं से है और 7 दिनों तक 15 मिनट के लिए हर दिन आप ही इसका उत्तर दे रहे हैं। हर दिन आप कोशिश कर रहे हैं और प्रश्न का एक नया और बेहतर उत्तर खोज रहे हैं। हर बार जब आप आंसर कर रहे हैं तो पूछिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ? क्या कोई दूसरा तरीका भी है? अपने माइंड से लगातार प्रश्न करिए और उनका जवाब देने की कोशिश करिए। 1 सप्ताह के बाद एक पेपर लिखिए जिसमें ध्यान के सभी परिणाम लिखे गए हों।
जब आप ध्यान कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी के साथ सोचिए, और अगर आपको इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें एक तरफ रखिए, और समावेश करने वाले ईमानदार और स्पष्ट माइंड वाले बनने की कोशिश करिए बिना किसी आत्म प्रताड़ना के। आज के लिए इतना ही, अगले ऑडियो में हम इसी घटना का विस्तार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपका दिन शुभ हो।